सो गाइस, जैसा कि देख पा रहे हैं, ये देखिए हमारे पास एक कैरियर है गाइस, जो कि MTB बेसिक मॉडल का साइकिल में लगता है गाइस। लेकिन ये जो कैरियर है गाइस, क्या ये साइकिल में लगेगा? जैसा कि ये साइकिल आप देख पा रहे हैं, गियर वाली साइकिल है 21 स्पीड का। तो इसमें अगर हम फिट करते हैं तो इसमें किस तरह से फिट होगा, जैसा कि देख पा रहे हैं, अगर हम यहाँ से सीट के पास से अगर हम नटवोल्ट में टाइट कर देते हैं सामने का सिस्टम कैरियर का, उसके बाद यहाँ जो है ब्रेक के पास में इस तरह से टाइट करते हैं, तो लेकिन यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ब्रेक में टच करेगा डिस्क ब्रेक में, ठीक है। तो ये जो कैरियर है हम इसमें जो है प्रोफेशनल तरीके से फिट करेंगे, और आपके पास किसी भी कैटेगरी का कैसा भी साइकिल हो गाइस गियर वाली, तो आप आसानी से ये कैरियर को फिट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम आप लोगों को एकदम अच्छे से और डिटेल्स में बताएंगे कि किस तरह से फिट आएगा। और गाइस, इसी तरह का एक और कैरियर आता है गाइस, वो जो है प्रोफेशनल साइकिल में ही लगाया जाता है, अमेजोन पर आपको आसानी से मिल जाएगा। वो कैरियर का प्राइस आपको जो 1200-1300 रुपये लमसम में आएगा, तो उसी का जगह में ये कैरियर को हम जो फिट करने वाले हैं MTB साइकिल में, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जब चाहे आप कैरियर को हटा सकते हैं, फिट कर सकते हैं और खुद से ही कर सकते हैं, ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगा। और ये कैरियर का प्राइस क्या आएगा, सारा चीज़ आप लोग को आगे बताएंगे। तो चलिए, आप लोग का किन्दिस में ज़्यादा ना लेते, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि देख पा रहे हैं, इस तरह का सबसे पहले आपको जो है क्लेम बना लेना है तीन, जैसा कि देख पा रहे हैं, यानी एक जोड़ा करके है तो तीन जोड़ा आपको क्लेम बना लेना है, जो कि सेम साइज का रहेगा, सेम पत्ती का रहेगा। उसके बाद 10 नंबर साइज का आपको जो है इस तरह का नटवोल्ट ले लेना, जो कि हार्डवेयर शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद गाइस, ये पत्ती का साइज क्या है चलिए आप लोग को बताते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे, एक सेंटर में सारा क्लेम्प होना चाहिए जो कि पत्ती का बनेगा, और ये आपका जो है लोहार मैकेनिक नहीं तो वेल्ड मैकेनिक बनाएंगे। और गाइस, जैसा कि देख पा रहे, पत्ती को जो है इस तरह से बनाने के बाद अच्छे से आपको घिसाई कर लेना, ठीक है, कोर वगैरह निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो चोट वगैरह लग सकता है, ठीक है। इस तरह से एकदम अच्छे से आपको घिसाई कर लेना है, वेल्ड मैकेनिक ही कर देंगे घिसाई अच्छे से, जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है। दोनों साइड एकदम अच्छे से कर लेना है सारा क्लेम को। उसके बाद गाइस, जैसा कि देख पा रहे हैं, पत्ती का जो चौड़ाई है गाइस, यहाँ पर ही आप लोग जैसा कि देख पा रहे थे, इतना चौड़ाई वाला पत्ती लेना है। और पत्ती का मोटाई जैसा कि देख पा रहे हैं, ये देखिए कितना मोटाई है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद इतना मोटाई वाला आपको पत्ती लेना है, ज़्यादा हैवी पत्ती या ज़्यादा मोटा पत्ती नहीं लेना, नहीं तो वजन बढ़ेगा इसके लिए, ठीक है, थोड़ा लाइट वेट भी होना चाहिए। उसके बाद होल जैसा कि देख पा रहे हैं 10 नंबर साइज का करना है। उसके बाद जो है गाइस, आपको सबसे पहले क्लेम को इस तरह से फिट करना, क्योंकि थोड़ा सा अलाइनमेंट का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इस तरह से क्लेम जब आप बनाएंगे तो पहले आपको फिट कर लेना है साइकिल में इस तरह से, जैसा कि देख पा रहे हैं, और नटवोल्ट को जो फुल टाइट देना है। और यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, हमारा जो गियर वायर गया हुआ है तो गियर वायर में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके वजह से अलग से हम एक नट दिए हुए हैं। और इस तरह से सभी नट को एकदम अच्छे से क्लेम वाला को टाइट कर लेना है पहले, ठीक है, जगह पर मिलाने के बाद कि कहाँ कहाँ आप ये सेटिंग मिलाएंगे, इस तरह से अच्छे से सेटिंग मिला लेना है। और क्लेम का एक पत्ती का जो लेंथ रहेगा वो बड़ा रहेगा, क्योंकि कैरियर का जो लेंथ रहेगा वो इस पर वेल्ड होगा, वो आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। जैसा कि देख पा रहे, एकदम अच्छे से फुल टाइट देना है, और नट जैसा कि देख पा रहे हैं गियर का वायर के पास में दिए, ताकि गियर का वायर एकदम प्रॉपरली काम करे, कोई प्रॉब्लम ना हो पत्ती को टाइट करने के बाद, क्लेम को टाइट करने के बाद। अब चलिए, ये कैरियर को इसमें फिट करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, हम वेल्ड शॉप में आ गए हैं और मैकेनिक को बोल दिए, तो मैकेनिक जो है दागी देने के बाद जो है कैरियर का जो सामने वाला लेंथ है उसे जो है काट के निकाल दे रहे हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो चलिए फटाफट इनको पहले कटिंग करने देते हैं, फिर आप लोग को आगे बताते हैं। ये देखिए, एक जो है कटिंग हो चुका है, आप दूसरा को कटिंग कर रहे हैं, तो एक लेवल में होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर ही मुड़ा हुआ रहेगा जैसा कि देखें आप, उस तरह से जो है आपको कटिंग करवाना है। ये देखिए, दोनों ही एक लेवल में आपका जो है कटिंग हो चुका है। उसके बाद जो है इस तरह का छोटा एक पत्ती जो है कटिंग करवाना है, जो कि वहाँ पर ही वेल्ड होगा, तो चलिए वो भी आप लोग को आगे देखने को मिलेगा। तो पत्ती को सबसे पहले जो है कटिंग होने देते हैं। ये देखिए, पत्ती भी कटिंग हो चुका है, तो इस तरह से जो सेंटर मिला लेना है, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, एक लेवल में होना चाहिए, जैसा कि देख पा रहा हूँ। और इस तरह से आपको एकदम प्रॉपरली वेल्ड कराना है, ज़रा सा भी वेल्ड में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम फुल वेल्ड कराना है, एकदम राउंडिंग के साथ में और अच्छे से। उसके बाद आपको क्या करना, फिर पाइप लेना है एक, ठीक है, वो वेल्ड शॉप वाले ही आपको दे देंगे। और पाइप को जो है इस तरह से आपको वेल्ड कराना है, जितना पत्ती का आपका साइज रहेगा उसी हिसाब से आपको पाइप को लेना है, और इस तरह से एकदम अच्छे से वेल्ड कराना है पहले पाइप को, जैसा कि देखें। उसके बाद देखिए, पाइप जो है आपका वेल्ड हो चुका है पत्ती में, वेल्ड भी सही हो चुका है एकदम सेटिंग मिलाने के बाद। उस तरह से इतना आपको कटिंग कर देना है 5 इंच साइज का, ठीक है, ये 5 इंच का कटिंग हो रहा है। उसके बाद जो तिरछा घिसाई करना है, जैसा कि देख पा रहे, ये तिरछा घिसाई हो रहा है, ठीक है, ताकि अच्छे से कैरियर में फिट बैठे और वेल्ड अच्छे से हो जाए,
ठीक है। इस तरह से फिर जो आपको कैरियर में लगा करके और यहाँ पर नटबोल्ट के साथ में फिट करके फ्रेम में, जैसा कि देख पा रहे सामने का जो लेंथ है पाइप वाला, वो आपको इस तरह से वेल्ड करा लेना है। उसके बाद जो है खोल देना है, खोलने के बाद आपको फिर से एकदम अच्छे से वेल्ड कराना है, ठीक है। ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे एकदम अच्छे से वेल्ड कराना। चलिए फटाफट वेल्ड होने देते, फिर आप लोग को आगे दिखाते हैं और बताते हैं। जैसा कि गाइस देख पा रहे हैं तो वेल्ड हो चुका है और कैरियर को फिट भी कर दिए हैं। उसका सामने वाला सेटिंग मिला रहे हैं, नीचे वाला लेंथ वाला, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो इस तरह से जो कटिंग करवा लेना है नापी दे करके और वेल्ड कराना है, ठीक है। ये आपको कैरियर फिट ही रहने देना है, उसके बाद जो कैरियर को खोल लेना है और सभी जगहों में एकदम फिर से अच्छे से एक बार वेल्ड करा देना है। ये देखिए मैकेनिक जो है वेल्ड कर रहे हैं, वेल्ड मैकेनिक। उसके बाद जो है कैरियर अच्छे से फिट कर लिए हैं, उसके बाद हम लेके चलाएं अपना स्टूडियो में जहाँ पर ये काम करते हैं। उसके बाद जो है कैरियर को हम पूरा खोल लेते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं जिस तरह से कैरियर को खोल रहे हैं गाइस, इसी तरह से फिट होता है, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं तो हम फिट करके ले आएँ, तो चलिए पूरा कैरियर को अच्छे से पहले खोल लेते हैं। देखिए जिस तरह से खोल रहे हैं गाइस, इसी तरह से फिट हुआ है। सारा सेटिंग मिलाने के बाद अच्छे से आपको सभी जगह में वेल्ड कराना है, ठीक है। जैसा कि हम आप लोग को अच्छे से दिखा दिए, जैसा कि देख पा रहे हैं एकदम अच्छे से वेल्ड हो चुका है। तो इस तरह से एकदम अच्छे से वेल्ड कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें कलरिंग करना है, ठीक है। तो ये देखिए जो हम ब्लैक कलर कर दे रहे हैं साइकिल के साथ में, ताकि जंग वगैरह ना लगे कैरियर में, ठीक है। इस तरह से अच्छे से आपको जो है कलर कर लेना है। स्प्रे पेंट भी आप कर सकते हैं और हाथ वाला पेंट भी आप कर सकते हैं, ब्रश पेंट, ठीक है। उसके बाद जो है नट बोल्ट में भी आपको कर लेना है ताकि खराब ना लगे देखने में। तो चलिए अच्छे से कर लेते हैं नट बोल्ट में भी। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल में न्यू आए और साइकिल रिलेटेड नोट्स वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन ऑल कर दे, लाइक करना शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आधा दोस्तों को भी काम में आने वाली वीडियो। एक चीज़ और बताना चाहेंगे गाइस, ये वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है हमारा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, आप लोग का प्यार मिलता है हमें, और जितना हो सके आधा दोस्तों को शेयर करें। जिस तरह से ये वीडियो आपका काम आया उस तरह से अदर व्यक्ति का भी काम आएगा, तो प्लीज़ शेयर जरूर करें। जैसा कि देख पा रहे हैं गाइस, कलर जो एकदम अच्छे से सूख चुका है, अच्छे से कलर भी हो चुका है, देखने में कितना ज़्यादा एकदम प्रोफेशनल लुक आ रहा है। अब चलिए जो है साइकिल में फिट करते हैं। उससे पहले बताना चाहेंगे गाइस, ये कैरियर का प्राइस कितना पड़ा है हमें, तो ये कैरियर का प्राइस गाइस हमें पड़ा है 280 रुपये, यानी 280 रुपीज़ हमें पड़ा है। तो 300 का बीच में ये कैरियर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसका दो क्वालिटी आता है, एक फर्स्ट आता है एक सेकेंड आता है। तो फर्स्ट क्वालिटी वाला आपको लेना, जो कि हैवी रहेगा, मजबूत रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये कैरियर को फिट करना है। तो जिस तरह से हम आप लोग को दिखाएं तो फर्स्ट में फिट करते हैं, उसी तरह से फिट करना है। तो चलिए फटाफट जो है ट्यूब का कटिंग, जैसा कि देख पा रहे हैं हम किए हुए हैं और उसको लपेट रहे हैं। तो इस तरह से जो है गाइस की ट्यूब का कटिंग को लपेट लेना है और उसमें टेप लगा देना ताकि खुले नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, कैरियर को लेना है। तो सबसे पहले आपको जो है फ्रेम में लगाना है, ठीक है गाइस। इस तरह से देखिए फ्रेम में लगाना है और वहाँ पर जो है ट्यूब लपेट करके और यहाँ पर जो क्लैंप इस तरह से लगाना है, जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से क्लैंप लगाना है। तो हम जो है थोड़ा सा नट बोल्ट जो है ज़्यादा बड़ा ले लिए थे गाइस, तो हमें छोटा नहीं मिला था। तो आपको इसमें जो है 1.5 इंच का भी आ जाएगा, 1 इंच का भी आ जाएगा। तो हम जो है 1 इंच वाला नट बोल्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हमें जो है 1.5 इंच वाला नहीं मिला था इसके लिए। तो चलिए आप जो फिट कर लेते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं जिस तरह से हम आप लोगों को फिटिंग करते हुए दिखा रहे हैं गाइस, इसी तरह से फिटिंग होगा। बाकी आप जब कैरियर बनाएंगे गाइस तो उसी टाइम सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ जाएगी, जैसा कि हम आप लोग को अच्छे से दिखा दिए और बता दिए। तो चलिए फटाफट सारा नट बोल्ट को एकदम फुल टाइट देना है गाइस, जरा सा भी लूज नहीं रखना, एकदम फुल टाइट देना। चलिए फटाफट फुल टाइट दे लेते हैं। ये देखिए जैसा कि देख पा रहे हैं, हाथ से जितना हुआ टाइट करने के बाद, स्पैनर लेने के बाद और फुल टाइट एकदम सभी नट बोल्ट को देना है, जरा सा भी लूज नहीं रखना, जैसा कि हम आप लोग को बताएं। सो गाइस फाइनली जो है कैरियर एकदम अच्छे से साइकिल में फिट हो चुका है। साइकिल का लुक भी देख पा रहे कितना ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, एकदम प्रोफेशनल कैटेगरी में आ गया। और सेटिंग भी देखिए एकदम परफेक्ट हुआ है, एकदम स्टेट में देखने में लग रहा है कि गाइस ये प्रोफेशनल कैरियर है और बैठने में भी आरामदायक रहेगा। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा गाइस बैठने में, और इसमें लोडिंग जो है गाइस आप 1 क्विंटल तक लोड ले करके चल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा गाइस। यानी 1 क्विंटल तक ये लोड थम लेगा गाइस, उससे भी ज़्यादा थोड़ा बहुत आप दे सकते हैं, ठीक है। और साइकिलिंग करने में, कहीं मार्केटिंग करने में, जाने आने में जो प्रॉब्लम होता है गाइस, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा ये कैरियर को इस तरह से फिट करने में, जैसा कि देख पा रहे हैं। और गाइस बताना चाहेंगे ये कैरियर का टोटल प्राइस कितना आया, यानी टोटल खर्चा कितना हुआ हमारा। तो टोटल खर्चा हमारा जो है 600 हुआ है गाइस, यानी 600 रुपया हमारा टोटल ये कैरियर में खर्चा आया। सारा चीज़ न्यू कैरियर से ले करके वेल्ड सारा चीज़ करवाने के बाद ये सब टोटल खर्चा हमारा 600 रुपया है, जैसा कि देख पा रहे हैं। अब चलिए इसका थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव भी ले लेते हैं, ये कैरियर परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है,
करियर का परफॉर्मेंस देखने से पहले आप लोग को लास्ट और आखिर में बताना चाहेंगे गाइस, जैसा कि देख पा रहे हैं तो पिलर पाइप का हिसाब से जो है गाइस की क्लैंप आपको बनाना है, या फिर फ्रेम में अगर आपका जगह है तो उस हिसाब से आपको फ्रेम का जो क्लैंप है गाइस जो बनाए हुए क्लैंप को इस तरह से आपको नापी दे करके बनाना है, जो कि लोहार मिस्त्री को बोलेंगे या फिर वेल्ड मैकेनिक को बोलेंगे तो आसानी से आपको बना देगा। और एक खासियत क्या है गाइस कि इसे हम जो फ्रेम में फिट किए हैं इसलिए कि सीट जो है आसानी से एडजस्टेबल होगा गाइस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर हम सीट पिलर में लगा देते हैं ये कैरियर को गाइस, तो इसमें क्या होगा कि कैरियर फिक्स रहेगा, सीट पिलर पाइप भी जो है फिक्स रहेगा, और इसमें क्या होगा कि सीट एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इसके वजह से गाइस जो हम इस तरह से वेल्ड करवाएं फ्रेम में, तो जिस जिस जगह में देख रहे हैं इस तरह से सेटिंग मिलाने के बाद एकदम अच्छे से आपको वेल्ड करा लेना है। चलिए गाइस आप साइकिल का परफॉर्मेंस देखते हैं। जैसा कि देख पा रहे गाइस हम पीछे में बैठे हुए हैं, तो हमारा वेट गाइस ऐसे जो है 70 से 75 kg, 80 kg तक लास्ट है गाइस हमारा वेट, हम कभी भी नापे नहीं, हम आपको अंदाज़ा बता रहे हैं। तो 80 kg हमारा वेट है गाइस, और देखिए कितना अच्छा बेस्ट एकदम परफॉर्मेंस कर रहा है गाइस कैरियर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है गाइस, ये देखिए एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस है गाइस कैरियर का, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आशा करता हूँ गाइस मैं आप लोग को अच्छे से दिखा दिया हूँ, बता दिया हूँ, तो जिस तरह से बताएं गाइस उस तरह से कर लेना, एकदम ईजिली हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब चाहे तब आप कैरियर को खोल सकते हैं, हटा सकते हैं, फिर फिट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।